guys, welcome back to my channel Beauty Getaways. I hope you all are doing absolutely well. दोस्तों मेरा नाम है रूपल और आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ फिर से बात करूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेबी एसेंशियल के बारे में. दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एंड एडवर्टाइज्ड बेबी कॉट के बारे में. जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट द हनी हनी बेबी कॉट. जो सेलिब्रिटीज पेरेंट्स बनने वाले हैं या फिर जो हाल ही में पेरेंट्स बने हैं, उन सबके इंस्टाग्राम में आपको एक प्रोडक्ट की रिव्यू तो जरूर मिलेगी एंड दैट इज दिस हनी हनी बेबी कॉट. तो इन सारे रिव्यूज को देख के मैंने भी लगभग डिसीजन ले ही लिया था कि मुझे भी अवयान के लिए हनी हनी बेबी कॉट ही लेना है, बट देयर वर आल्सो सम अदर क्राइटेरियाज दैट दिस कॉट हैड टू मैच. सो हियर आई एम विद अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस हनी हनी बेबी कॉट एंड दिस टोटल रिव्यू इज बेस्ड ऑन माय 8 मंथ्स एक्सपीरियंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय फर्स्ट क्राइटेरिया वाज दैट माय बेबी कॉट हैड टू बी वुडन एंड ऑल्सो जो भी मटेरियल्स यूज किया गया है बेबी कॉट को बनाने के लिए, all those materials had to be baby safe. So let me tell you that the Honey Honey baby cot is made with European pine wood, so it is considered to be very very safe for the baby. And also the paint that is used on the cot, halaki paint ke bare mein unki website mein alag se kuch mention nahi kiya gaya hai, but when I did my research, maine kafi celebrities ki videos dekhe the and I'm not sure, but I think it was Debina's video where she mentioned ke paint jo use kiya gaya है इस बेबी कॉट में वो भी बिल्कुल बेबी सेफ है. सो कंसिडरिंग दैट, मैंने सोचा कि ऑल द मटेरियल्स दैट इज यूज्ड टू मेक दिस बेबी कॉट इज कंप्लीटली बेबी सेफ. मेरा सेकेंड क्राइटेरिया था दैट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ द बेबी कॉट हैड टू बी लाइक टोटली परफेक्ट. सो लेट मी जस्ट टॉक यू थ्रू द सेफ्टी फीचर्स ऑफ द हनी हनी बेबी कॉट. नाउ बिकॉज दिस इज अ वुडन कॉट, तो ओवरऑल ये कॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है. मैट्रेस बेस्ड जो कॉट की होती है वो सबसे ज़्यादा वाइटल पार्ट होती है बिकॉज इट इज़ वेयर योर बेबी लाइज. तो इस कॉट की जो मैट्रेस बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. मैं 8 महीनों से इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है और ये काफ़ी थिक भी है जैसे कि आप देख सकते हैं. टोटल होल्डिंग कैपेसिटी जो इस कॉट की है वो है अप टू 50 केजीज. तो जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा तब आप इस कॉट को एक टॉडलर बेड की तरह बनाकर उस पर भी आप अपने बच्चे को सेफली सुला सकते हैं. इस कॉट में है 4 360 डिग्रीज रोटेटिंग व्हील्स, तो इस कॉट को इधर से उधर मूव करना बहुत ही ज्यादा आसान है. एंड ऑल्सो ऑल दीज व्हील्स कम विद अ सेफ्टी लॉक फीचर, तो जब आप चाहते हैं कि आपका कॉट बिल्कुल ही अपनी जगह से ना हिले तो यू कैन लॉक द कॉट बाय लॉकिंग द व्हील्स. अब मच्छर तो बेबीज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है एंड यू नीड टू कीप योर बेबी टोटली सेफ फ्रॉम मस्कीटोज. एंड जस्ट टू डू दैट, दिस कॉट कम्स विद अ मस्कीटो स्टैंड एंड व्हेन यू विल बी परचेजिंग दिस कॉट इट विल ऑल्सो कम विद अ मस्कीटो नेट. तो आप उस मस्कीटो नेट को इजीली मस्कीटो स्टैंड में फिट कर सकते हैं एंड जस्ट लाइक दिस यू कैन कीप योर बेबी टोटली अवे फ्रॉम मस्कीटोज. नाउ एक बहुत अमेजिंग फीचर जो इस कॉट की है दैट इज दिस कॉट इज नॉट ओनली अ बेबी कॉट बट इट इज ऑल्सो अ रॉकर. जो व्हील्स दिया गया है कॉट में उसको आप इजीली ऊपर करके इस कॉट को एक रॉकर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने बेबी को उस पर लिटा के उसको रॉक कर सकते हैं और पैसिफाई कर सकते हैं. तो आपको कोई अलग से कोई रॉकर या फिर स्विंग खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, ओनली फॉर इन्फेंट्स एक चेंजिंग ट्रे भी इस कॉट के साथ दिया गया है जो ऑनेस्टली मैंने कभी यूज नहीं किया क्योंकि मुझे पर्सनली ये उतना स्टर्डी नहीं लगा. मुझे लगा कि अगर मेरा बेबी थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा मूव करेगा तो हो सकता है कि वो ट्रे गिर जाए. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने उसको यूज नहीं किया. लेकिन दिया गया है अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में बेबी है जो ज्यादा मूव नहीं करता तो आप उसको उस पर लेटा के डायपर चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, 2 टीदिंग रेल्स भी दिया गया है इस कॉट के साथ. तो जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बैठने लगे तो अगर वो चाहे तो इन टीदिंग रेल्स को च्यू कर सकते हैं. दे कैन यूज इट एज अ टीदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आप इस अटैचमेंट को बिल्कुल ईजीली खोल के उसको साफ कर सकते हैं एंड फिर से उसको फिट कर सकते हैं. सो इट्स हाइजीनिकली इट्स वेरी सेफ फॉर द
बेबी. ऑल्सो इस कॉट के नीचे एक बड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की एक्स्ट्रा बेडिंग जो है वहां पर स्टोर करें तो आप वो इजिली कर सकते हैं, कुछ और भी वहां पर स्टोर कर सकते हैं क्योंकि स्पेस जो है वो काफी बड़ा है. नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इस कॉट की ये है कि आप इस कॉट को इजिली एक बिग बेड के साथ अटैच कर सकते हैं. इस कॉट की एक साइड की रेल्स को नीचे करके आप इजीली मदर के बेड के साथ इस कॉट को अटैच कर सकते हैं एंड जस्ट लाइक दिस यू कैन को स्लीप विद योर बेबी आल्सो बाय गिविंग योर बेबी देयर ओन सेफ एंड पीसफुल स्पेस टू स्लीप. नेक्स्ट इस कॉट में है 4-level मैट्रेस सपोर्ट. तो जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे उसके एक्टिविटीज बढ़ता जाएगा, आप उस हिसाब से जो कॉट की हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं. लास्टली इस कॉट की जो प्राइस है दैट इज अप्रोक्सीमेट 13,500. तो आपको हो सकता है कि लगे कि बस 2-3 साल के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना क्या वो सही होगा. तो लेट मी टेल यू दैट दिस कॉट इज नॉट ओनली अ बेबी कॉट बट दिस कैन ऑल्सो कन्वर्ट इंटू अ टॉडलर बेड. जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप इसको इजिली टॉडलर बेड की तरह यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो After that, you can use this as a table. तो मैं सारी जो pictures है वो इस video के साथ link कर दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा reference मिल सके. So lastly, I would just like to conclude by saying कि ये जो cot है इसको मैं 8 महीनों से use कर रही हूँ and till date मुझे कोई भी problem नहीं आया. So there are no complaints whatsoever. And according to me, I think अगर आप कोई cot purchase करना चाहते हैं अपने baby के लिए so you can just blindly go for this cot. You know, this is really a good investment. And mind you, this video is not at all sponsored. Therefore, just don't think कि मैं कोई sponsored video की तरह बात कर रही हूँ. दिस इज टोटली बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस. ऑल्सो लेट मी टेल यू कि इस कॉट के साथ मैंने जो जो मैट्रेस खरीदा, मैट्रेस की जो कवर्स है, जो भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदा है इस कॉट के साथ, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ऑल्सो द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ दिस कॉट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू टू चेक आउट. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये जो वीडियो है वो यूजफुल लगा हो. इफ येस, प्लीज डोंट फॉरगेट to subscribe to my channel and also give this video your love. Okay, I'll meet you again in my next video very soon. Till then, you take good care of yourself. Bye.